इधर व्यापारी मनीष गुप्ता मौत मामले में एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार जांच के लिए होटल पहुंचे। यहां अभी भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान एडीजी के सामने भी युवक दीवारों को साफ करता हुआ दिखाई दिया। वहीं एडीजी का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आप देखिए क्या इंतहा वहां पर रही होगी बेरहमी की, दीवारें अभी तक साफ की जा रही है। तीसरे तल से लेकर पहले तल तक खून के छींटे वहां पर रहे होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन गोरखपुर में क्या हुआ होगा। अब निगाहें पूरे देश की इसी बात पर हैं कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में एक होटल में हुई मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीपी गंगा संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल मालिक सुभाष शुक्ला से खास बातचीत। इस समय मैं तारामंडल का जो कृष्णा पैलेस होटल है वहां पर हैं और उसके ऑनर जो सुभाष शुक्ला वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था होटल में जिस रात जो कानपुर के व्यापारी हैं उनकी जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अब उस पर पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और वो फरार भी है। तो जानते हैं, ये बताइए क्या घटना हुआ था उस दिन और कब आपको पता चला और आप कब यहाँ पर? हमें पता चला 12:30 बजे करीब कि हमारे वहाँ पुलिस आई है और चेकिंग की बात चल रही थी और रिसेप्शन पर आए। जो रिसेप्शन था उस दिन मेरा 7 रूम लगा था और सारे PID जो SO साहब ने देखा, SO साहब ने, और एक रूम में जो लगा जिस रूम की बात चल रही उसमें 3 लोग थे, 2 हरियाणा से थे और 1 कानपुर से थे। तो SO साहब ने सारे रूम की चेकिंग की बात कर रहे थे कि कप्तान साहब का आदेश है दिवाली को देखते हुए आपका हमें रूम चेक करना है और वीडियो बना के कप्तान साहब को भेजना है। और अब सीधे रुख करते हैं, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। किसान अपने ही देश की सरकार से एक आग्रह लेकर 300 दिनों से लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अलग अलग धरनों पे, धरना स्थलों पे बैठा है, देश की राजधानी के दरवाजे, सरकार के दरवाजे में बैठा है और इन 300 दिनों में 600 के करीब किसानों की जान भी इन धरनों पे जा चुकी है। उनके शव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अपने अलग अलग प्रदेशों में इन धरनों से लौट चुके हैं। लेकिन उस सब के बावजूद सरकार के मन में किसान के प्रति कोई करुणा होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। ऐसी कठोर दिल सरकार, ये उन्हीं के नागरिक हैं कि किसान जिनकी इतनी बड़े पैमाने पे जाने भी जा चुकी हैं, ऐसा आंदोलन शायद देश के इतिहास में कभी ना हुआ। ऐसे में जले पे नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है। उसका उदाहरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 25 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला, उसका उदाहरण रबी की फसलों पे जिसमें गेहूं मुख्यतः है, बाकी भी जो फसलें हैं उनमें मात्र 2% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला। ये जो सारे फैसले हैं आपके बीच में इसलिए रख रहे हैं कि 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था